गीतांजलि और आपका स्वागत करती हूँ अचीवर सक्सेस स्टोरी के एक और एपिसोड में। आज हम पहुंच गए हैं एक और नई कहानी, एक और नए एपिसोड के साथ, और आज मैं आपको लेकर आई हूं बीदर शहर कर्नाटका में। आज हम आपको मिलाने वाले हैं एक ऐसे इंस्टीट्यूशन से जिसने अपनी कहानी की शुरुआत बीदर से की थी। इन्होंने 80 साल पहले एक गुरुद्वारे की स्थापना करी और उसके बाद एक हॉस्पिटल, फिर 3 स्कूल और उसके बाद बहुत सारे कॉलेज। कामयाबी कभी रातों रात नहीं मिलती, वो मेहनत से संजोया एक रास्ता होता है जिसकी मंजिल मिलने के बाद पत्थर भी फूल बन जाते हैं। और कहते हैं कामयाबी की कहानी अगर दूसरों की ख्वाहिशों के लिए लिखी गई हो तो उसे पूरा होने से कोई भी नहीं रोक सकता। आज़ादी के एक साल पहले 1946 में जब आज़ादी की लड़ाई चरम सीमा पर थी, उस वक्त पंथभूषण भीषण सिंह जी ने कर्नाटका के एक छोटे से शहर बीदर में गुरुद्वारे की स्थापना की और यहाँ पर लंगर की व्यवस्था की। उनकी समाज के लिए कुछ कर गुजरने की ये भावना आगे भी जारी रही और इसके चलते 1969 में उन्होंने बीदर में ही लोगों की सेवा के लिए गुरु नानक चैरिटेबल हॉस्पिटल की शुरुआत की। ये हॉस्पिटल उन सब लोगों के लिए एक वरदान सा साबित हुआ जिन्हें इलाज के लिए बीदर छोड़कर कई बड़ी शहरों की तरफ जाना पड़ता था। 1975 में भीषण सिंह जी के बेटे जोगा सिंह जी ने अपने परिवार की समाज के लिए कुछ कर दिखाने वाली सोच को आगे बढ़ाते हुए शिक्षा के क्षेत्र में एक बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान देते हुए बीदर में ही गुरु नानक पब्लिक स्कूल की स्थापना की, जिसकी आज 5 से ज़्यादा ब्रांचेस हैं, 6,000 से ज़्यादा बच्चे पढ़ रहे हैं और हाईटेक सुविधाओं वाली इन स्कूल्स में आज 3,000 से ज़्यादा टीचर्स लगातार विद्यादान कर रहे हैं। सरदार जोगा सिंह जी ने 1980 में गुरु नानक इंजीनियरिंग कॉलेज की भी शुरुआत की, जिसकी आज 7 से ज़्यादा ब्रांचेज हैं, जहां 2,500 से ज़्यादा स्टूडेंट्स शिक्षा पा रहे हैं। और इंजीनियरिंग के अलावा गुरु नानक इंस्टीट्यूशन ने पीजी कोर्सेज और रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर्स भी खोले। किसी भी इंस्टीट्यूट को तब तक बेहतर नहीं कहा जा सकता जब तक वहाँ अपने स्टूडेंट्स को स्किल्स को डेवलप करने वाले और आत्मनिर्भर बनाने वाली सोच को ना पाया जाए। स्टूडेंट्स को केवल तालीम देना ही इंस्टीट्यूशंस का लक्ष्य नहीं होना चाहिए, बल्कि स्टूडेंट्स को एक अच्छी तालीम के साथ साथ अच्छे संस्कार और एंटरप्रेन्योर बढ़ने की ओर अग्रसर करना इंस्टीट्यूट्स का अहम मोटिव होना चाहिए, जो गुरु नानक इंस्टीट्यूट्स के एजुकेशन सिस्टम में साफ साफ नज़र आता है। अपने पूर्वजों की इस परंपरा को आगे बढ़ाते हुए बलबीर सिंह जी और उनकी पत्नी रेशमा कौर जी तथा उनका पूरा परिवार इसे नई ऊंचाइयों पर पहुंचाने के लिए निरंतर काम कर रहे हैं। समाज में फैले भेदभाव, छुआछूत जैसी कुरीतियों को जो लोग अपने दिमाग में आज के इस आधुनिक युग में भी बसाए हुए हैं, ऐसे लोगों के लिए बलबीर सिंह जी और उनकी पत्नी एक उदाहरण के लिए काम आते हैं। अपने स्टूडेंट्स को अपने परिवार का हिस्सा मानते हुए अपने परिवार की हर छोटी बड़ी खुशियां उनके बीच सेलिब्रेट करते हैं, जो इन कुरीतियों के दायरे से अलग सोचने की हम सबको एक सीख देती है। तो आइए मिलते हैं गुरु नानक देव इंजीनियरिंग कॉलेज के चेयरमैन बलबीर सिंह जी और उनकी वाइफ रेशमा कौर जी से, जो कि काफी टाइम से इस कॉलेज को, इस इंस्टीट्यूशन को बहुत ही सक्सेसफुली रन कर रहे हैं। सर, हम बहुत दूर से आए हैं ये जानने के लिए कि आपने इतने अच्छे से डेवलप किया हुआ इस इंस्टीट्यूट को। उसके साथ साथ जैसे ही मैंने कैंपस में अपना पहला कदम रखा, मुझे लगा कितनी ग्रीनरी है यहाँ पर, कितना अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है। तो हम आपसे ये जानना चाहते हैं, मेरी सारी ऑडियंस ये जानना चाहती है कि किस तरीके से आपने इस इंस्टीट्यूशन को स्टार्ट किया, व्हाट इज़ योर जर्नी? ये एक्चुअली मेरे ग्रैंडफादर पंतभूषण भीषण सिंह जी ने, उन्होंने 1946 में इधर बिदर आए थे, इंडिया के इंडिपेंडेंट होने से पहले। हाँ जी, उन्होंने आके ये गुरुद्वारा नानक जीरा का फाइंड आउट किया है। तो उन्होंने ये गुरुद्वारे का पूरा काम शुरू किया, वहाँ से उन्होंने गुरु नानक हॉस्पिटल 1969 में गुरु नानक हॉस्पिटल चैरिटेबल हॉस्पिटल यहाँ पे हमारा चल रहा है वो शुरू किया। उसके बाद मेरे फादर सरदार जोगा सिंह जी, उन्होंने कहा कि यहाँ पे स्कूल शुरू किया 1979 में, उसके बाद स्कूल, फिर इंजीनियरिंग कॉलेज 1980 में, उसके बाद सारे इधर टोटल 15 इंस्टीट्यूशन हम रन कर रहे हैं। तो मैं कहीं कि बिज़ी होने के कारण वाइफ भी आल्सो जॉइन दिस इंस्टीट्यूशन, तो वो काफ़ी इंस्टीट्यूशन वो लुक आफ्टर करती है। सो इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, आपकी वाइफ इज़ द फर्स्ट लेडी जो कि आपके इंस्टीट्यूशन में रन कर रही है। हाँ जी, हाँ जी, एडमिनिस्ट्रेशन में, बिल्कुल एडमिनिस्ट्रेशन में वो पूरा मेरा साथ दे रही है, तो काफ़ी लुक आफ्टर करती है वो। तो एक्चुअल में ये जो होता है कि एक व्हीकल के दो पहिए होते हैं, पति पत्नी, तो आप लोगों का एक परफेक्ट एग्जांपल है। हाँ जी, बिल्कुल।
तो सर अभी तक तो हमने देखा कि आपने क्या क्या किया है, अभी आगे के 15 इंस्टीट्यूशंस के बाद आगे की अगर मैं 5 साल की बात करती हूँ तो व्हाट इज़ योर 5 ईयर प्लान लाइक? 5 ईयर प्लान ऐसा है, इंस्टीट्यूशन को हम यूनिवर्सिटी में कन्वर्ट करना चाहते हैं, वो हमारा फादर का भी ड्रीम था तो उसको हम पूरा करना चाहेंगे ज़रूर। सो यहाँ पर मतलब मैं आप बता रहे हैं कि आपकी वाइफ ने टेक ओवर किया, काफी काम संभाल रही हैं, हाँ जी। तो मैं मिलना चाहूंगी मैम से। जरूर आपसे मिलाएंगे, वो इंस्टीट्यूशन में ही है, उनसे अपन मिलेंगे। ओके सर, थैंक यू, थैंक यू। तो बलबीर जी, जब आपने ज्वाइन किया था इंस्टीट्यूट, जब आपने संभालना शुरू किया था, उसके बाद रेशमा मैम के ज्वाइन करने से पहले क्या क्या डेवलपमेंट्स की आपने? काफ़ी यहाँ पे डेवलपमेंट किया है इंजीनियरिंग कॉलेज में, जैसे 3-4 फैकल्टीज़ और ऐड की है, जैसा इलेक्ट्रॉनिक्स, इंफॉर्मेशन साइंस, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी एंड ऑटोमोबाइल, ये सारे कोर्सेस इधर ऐड, इंजीनियरिंग कॉलेज कोर्सेस ऐड किया है यहाँ पे। और उसके बाद अदर इंस्टीट्यूशंस आल्सो वी हैव स्टार्टेड। और मैम ने एग्जैक्टली कब ज्वाइन किया? मैडम 1990 में ज्वाइन किया। 1990, तो अभी ऑलमोस्ट 28 साल हो गए। 28 साल हो गए, हाँ जी। ओके, तो इफ यू डोंट माइंड इफ आई मे आस्क कि आप लोगों की शादी कब हुई, जब 28 साल से मैम संभाल ही रही हैं? हाँ जी। सो व्हेन डिड यू गाइस गेट मैरिड? 1980 में हो गए। 1980, तो 9 साल बाद एग्जैक्टली उन्होंने ज्वाइन किया। तो बीच का जो 9 साल का वक्त था, तो क्या वो कुछ और कर रही थी या फिर? वो स्टडी वगैरह कर रही थी, लॉ वगैरह किया उन्होंने। तो मतलब शादी के बाद शी वाज स्टडीइंग? स्टडीइंग। सो आई एम रियली रियली क्यूरियस टू मीट मैम नाउ, डेफिनेटली चलते मैम के पास। हां जी, डेफिनेटली। बलबीर जी, आपने बताया 1946 में पहले गुरुद्वारे की स्थापना हुई थी, फिर हॉस्पिटल, उसके बाद कॉलेज। पर जैसा कि आपने मुझे थोड़ी देर पहले बताया था कि अभी तक 3 गुरुद्वारे हैं, तो गुरुद्वारों को स्टार्ट करने के पीछे क्या आपके दिमाग में थॉट था? गुरु नानक देव जी यहाँ जो उनकी सेकंड उदासी में बिदर आए थे, यहाँ पानी की किल्लत थी बिदर में, उन्होंने ये चश्मा जो नानक जीरा जो निरंतर जब से बह रहा है उन्होंने स्टार्ट किया था यहाँ पर बिदर में। तो इसलिए उन्होंने जहाँ जहाँ पे भी गए उन्होंने कुछ चमत्कारी किया गुरु नानक देव जी ने हर जगह। तो ये गुरुद्वारा उस टाइम पे उनके याद में बनाया गया है, गुरुद्वारा नानक जीरा। और एक माता भाग कौर जी जो गुरु गोबिंद सिंह जी के साथ वॉरियर थे, उनके नाम पर यहाँ पे एक गुरुद्वारा बना गया है। और वन ऑफ द पंच प्यारास जो पांच साहेबजादे, जो पांच प्यारे जो थे, उसमें वन ऑफ द फ्रॉम बिदर बाय साहेब सिंह जी, उनके नाम से भी यहाँ गुरुद्वारा बनाया गया है। तो आप पंजाब से हैं या फिर बॉर्न एंड ब्रॉट अप? हम तो बॉर्न एंड ब्रॉट अप यहीं पे है। महाराजा रंजीत सिंह जी के टाइम पे जो उन्होंने निज़ाम ने फोर्स मंगाई थी उस टाइम पे यहाँ पे हमारे ग्रैंड फादर के फादर आए हुए थे उस फोर्स में, तो तब से यहाँ पे ही फिर हम यहाँ सेटल हो गए। ओके, आई थिंक मैम का कैबिन आ गया है। हाँ जी, तो चलते हैं मैम के। बिल्कुल चलते हैं। ये मेरी वाइफ रेशमा जी। हाय रेशमा जी, हाउ आर यू? थैंक यू सो मच फॉर हैविंग अस। सो रेशमा जी, बलबीर जी ने बताया आपने 1990 में इंस्टीट्यूशन को ज्वाइन किया, उन्होंने ये भी बताया कि आपने लॉ पढ़ा है। सो व्हाट इंस्पायर्ड यू कि लॉ से सीधा इंस्टीट्यूशन रन कर रहे हो आप? लॉ इज बीन, आई हैव डन इट फॉर माय अवेयरनेस, पर एजुकेशन हमेशा मेरा पैशन रहा है। आई वाज इंटरेस्टेड इन वर्किंग इन द एजुकेशन फील्ड राइट फ्रॉम द बिगनिंग। तो मैंने पहले हमारा स्कूल जो है गुरु नानक पब्लिक स्कूल जो 1975 में स्टार्ट किया गया था, तो वो मैंने ज्वाइन किया और वहाँ पे आई स्टार्टेड वर्किंग एंड इट वो CBSE से एफिलिएटेड है। और अभी हमारे 3-4 ब्रांचेस हैं गुरु नानक पब्लिक स्कूल सेम स्कूल के। तो सारी ब्रांचेस इधर ही हैं या फिर अलग अलग लोकेशंस? 3 ब्रांचेस इधर है बिदर में और 2 ब्रांचेस, एक 60 किलोमीटर्स अवे फ्रॉम बिदर और एक अबाउट 20 किलोमीटर्स। तो हमारा मोटिव हमेशा यही रहा है कि सर्विस ओरिएंटेड। एंड जो ये स्कूल्स हम बाद में जो स्टार्ट किए हैं जो बिदर से थोड़ी सी दूर है, तो वहाँ से बच्चे हमारे मेन स्कूल के लिए आते हैं, तो 2 घंटे वो ट्रैवल करते हैं वहाँ से, तो उनके लिए हमने वहाँ पर ही स्कूल स्टार्ट किया है। और काफ़ी लो फीस पे हम सेम फैसिलिटी विद सेम स्टैंडर्ड हम प्रोवाइड कर रहे हैं। तो यही हमारा जरिया है कि लोगों के सर्विस करें। तो एजुकेशन फॉर ऑल को टोटल आप फॉलो करते हैं? या तो अभी हमारे स्कूल में 6,000 बच्चे पढ़ते हैं जो ब्रांचेस के साथ मिलाकर, अभी 6,000 बच्चे पढ़ रहे हैं और मोर देन 300 स्टाफ
हमारे साथ काम कर रहा है या इन स्कूल्स एंड व्हाट अबाउट द कॉलेजेस इंजीनियरिंग कॉलेज या देन आफ्टर स्कूल देन आई स्टार्टेड टेकिंग इंटरेस्ट इन इंजीनियरिंग कॉलेज आल्सो तो मैं फिर इंजीनियरिंग कॉलेज की एडमिनिस्ट्रेशन में भी इंटरेस्ट लेने लगी और यहाँ पे हमारे पास अभी शायद आपको पता होगा कि हमारे 7 ब्रांचेस है और 2,500 बच्चा यहाँ पे पढ़ता है और पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज है और R&D सेंटर्स भी है तो यहाँ अभी पहले हमारे बच्चे सारे नॉर्थ से आते थे तो 90% ऑफ द स्ट्रेंथ सारा पंजाब या पंजाब जम्मू दिल्ली एंड बिहार यूपी का ज़्यादा क्राउड होता था पर आप जैसे जानते हैं कि अब इतने सारे कॉलेजेस हर जगह खुल गए हैं तो नॉर्थ का जो बच्चा है अभी यहाँ पे कम हो गया है तो अभी इट्स अ मिक्स ऑफ स्टूडेंट्स कुछ नॉर्थ के बच्चे हैं पर ज़्यादातर यहाँ के जो आसपास के साउथ इंडियंस एंड आसपास के पॉकेट्स के बिदर के बच्चे हैं जो पढ़ रहे हैं हमारे पास तो मैम साउथ इंडिया में तो एवरीबडी नोज़ यू बट आई एम श्योर कि नॉर्थ इंडिया में पीपल आपको लोग आपको जानते हैं बिकॉज क्वालिटी स्पीक्स सो वॉट कैन यू से अबाउट द USP लाइक हाउ आर यू डिफरेंट फ्रॉम एनी अदर इंस्टीट्यूशन या वी एनकरेज आर स्टूडेंट्स इन लॉट ऑफ इनोवेटिव थिंग्स वी हैव आर ओन स्टार्टअप सेल एंड वी एनकरेज आर स्टूडेंट्स टू गो फॉर देयर ओन स्टार्टअप्स और वी वॉन्ट देम टू बी एंटरप्रेनर्स एंड हमारे वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू इनक्यूबेशन सेंटर वेरी सून एंड दैट विल हेल्प आवर स्टूडेंट्स टू बिकम एंटरप्रेनर्स एंड हमारे वी हैव MOUs विद लॉट ऑफ कंपनीज अबाउट 16 कंपनीज लाइक इंटेल कॉरपोरेशन एंड ओरेकल इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी तो इससे भी हमारे बच्चों को काफ़ी एम्प्लॉयबल बना रहे हैं हम एंड वी हैव लॉट ऑफ ट्रेनिंग प्रोग्राम्स इन हाउस तो जैसा बच्चा निकलता है कॉलेज से सो ही इज़ एम्प्लॉयबल रेडी एंड ऑल्सो ट्रेन्ड इन मेनी टेक्निकल प्रोग्राम्स डिसिप्लिन ऑफकोर्स तो दे आर एम्प्लॉयबल वंस दे आर आउट ऑफ द कॉलेज एंड दे डोंट हैव टू गो फॉर इंटर्नशिप लेटर ऑन तो वी आर हैविंग ऑर्गेनाइज ज़रूरत नहीं है तो वी आर ऑर्गेनाइजिंग लॉट ऑफ ट्रेनिंग प्रोग्राम्स इन हाउस technical training programs so that they are employable when they pass out of the college and also we have also trying to start we're going to start very soon internship on the campus by associating with the companies corporates and all so it's going to be on a very large scale so that will be very soon यू आर राइट मैम अभी तो ऐसा होता है कि बच्चे पढ़ते हैं उसके बाद 6 महीने की इंटर्नशिप करते हैं उसके बाद कहीं जाके उनकी सैलरी स्टार्ट होती है तो काफ़ी टाइम मुझे लगता है वेस्ट हो जाता है बिकॉज कोर्स के बाद का जो काफ़ी टाइम होता है वो वेस्ट जाता है बच्चे का यहाँ पर वो सब कंपनीज का पैसा भी तो बचता है एग्जैक्ट ट्रेनिंग ऑन जॉब ट्रेनिंग सारी फैसिलिटीज़ तो देनी पड़ती हैं इनफैक्ट मैम मैंने प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के बारे में भी देखा बाहर तो किस तरीके से टाई अप आपने किया हुआ है उनके साथ हमारे बच्चे काफ़ी इन्वॉल्व हैं ये जो सेंट्रल गवर्नमेंट के स्कीम्स हैं जैसे स्किल इंडिया है डिजिटल इंडिया देन स्टार्टअप इंडिया एंड स्वच्छ भारत अभियान तो काफ़ी बच्चे इन्वॉल्व है इसमें और काम कर रहे हैं इसमें स्वच्छ भारत अभियान तो डेफिनेटली मैंने देखा मैं जैसे ही एंटर हुई मुझे कैंपस इतना अच्छा लगा तो मैं चाहती हूँ कि आप मुझे कैंपस भी दिखाओ और साथ में हम बातें भी करें सो कैन वी डू दैट प्लीज़ मैम जैसा कि हमें बताया कि बहुत सारे इनिशिएटिव्स और स्टेप्स आप ले रहे हैं अपने कैंपस को बहुत ही ज़्यादा ग्रीन और क्लीन रखने के लिए एनवायरनमेंट फ्रेंडली बनाने के लिए सो व्हाट आर द इनिशिएटिव्स दैट यू गाइस आर टेकिंग टू कीप इट यू नो डिफरेंट एंड एनवायरनमेंट फ्रेंडली वी हैव 100 किलोवाट सोलर पैनल एंड वी आर सेविंग वी प्रोड्यूसिंग लॉट ऑफ एनर्जी इलेक्ट्रिसिटी तो हम वहाँ पे सेव कर रहे हैं हमारा इलेक्ट्रिसिटी का और वी आर गोइंग फॉर एक्सटेंशन 60 किलोवाट का एक्सटेंशन भी हम वी आर पुटिंग इट तो दैट इज़ वन गुड इनोवेटिव थिंग वी हैव डन हियर मैम इतने बड़े कैंपस में इतने सारे गार्डन्स हैं तो उन सबको आप मेंटेन कैसे करते हैं लाइक इतना पानी कहाँ से आता है या फिर कोई यूनिक तरीका है उसको भी यू नो यूटिलाइज करने का वाटर को नहीं हम रेन वाटर हार्वेस्टिंग का प्रोजेक्ट कर रहे हैं यहाँ पर और इसी वजह से इतनी ग्रीनरी आपको नज़र आ रही है हालांकि लास्ट ईयर यहाँ पे बिल्कुल रेनफॉल कम थी इतना सा ड्रॉट था पर स्टिल वी कुड मेंटेन आवर ग्रीनरी और ये हरा भरा है हमारा कॉलेज बिल्कुल ग्रीन इंडिया क्लीन इंडिया स्वच्छ भारत अभियान भी आप लोग कर रहे हैं या स्वच्छ भारत अभियान हमारे बच्चे वो भी कर रहे हैं सो दैट्स व्हाई द कैंपस इज वेरी क्लीन नीट एंड एडवांस्ड या ऑफ कोर्स मैम 80 सालों में 3 गुरुद्वारे 5 स्कूल इतने सारे इंस्टीट्यूशंस सो व्हाट इफ आई आस्क कि आपकी फ्यूचर प्लानिंग क्या है लाइक व्हाट ऑल इंस्टीट्यूशंस आर कमिंग अप और व्हाट ऑल न्यू थिंग्स आर पीपल शुड नो अबाउट यू
We are running a PU college also apart from school. Okay. That is plus one and plus two, and also a degree college, and also post graduation in degree college, MSc, and teacher training program, jaise B.Ed and D.Ed. So with all this, we are planning to go for a university, deemed university. That was the dream of our founder president, Pantratan Shiromani Sardar Juga Singh. The grandfather. Father. Okay. So his dream was to have a university, Guru Nanak Dev University. Wow. So our plan is to have a university here. Also, you were telling me and about some dialysis. Yeah, we are also running a 100-bedded hospital, charitable hospital. We have a wonderful theater there and all facilities. So our next program is to open dialysis center here, because there are so many patients here who are dialysis, hemodialysis for Hyderabad and Sholapur. Kafi travel karte hain. Pools mein bhi kam fees hai, hospital mein bhi kam charges hai, dialysis center mein bhi kam. I'm sure education institute in the universities mein bhi kam bahut fees hogi. Ma'am, Bidar matlab Guru Nanak Dev Engineering College. तो आपको क्या लगता है कि 80 साल पहले जब बिदर में आप लोगों का इंस्टीट्यूशन नहीं था और आज में क्या डेवलपमेंट आया है बिदर में आपकी वजह से? बहुत कुछ डेवलपमेंट हुआ है बिदर में. ये इंजीनियरिंग कॉलेज 1980 में स्टार्ट किया गया था, तब से काफ़ी इकॉनमी आने लगी क्योंकि सारे बच्चे 80% बच्चे बाहर से आते थे, जैसे पंजाब, दिल्ली, नॉर्थ इंडिया. हाँ, तो जैसे वो बच्चे आने लगे, सारी इकॉनमी आने लगी, तो काफ़ी बिदर में तरक्की, हाँ, इकॉनमी काफ़ी बढ़ती गई, एम्प्लॉयमेंट. एंड जैसे बच्चे आते थे बाहर, उनको रेंट पे मकान लेते थे, तो सारा मतलब हाँ लोगों को एक जरिया हो गया कमाने का, तो इकॉनमी काफ़ी आने लगी बाहर से. एंड इतने यात्रु आते हैं गुरुद्वारे में, साल में 1 लाख से ज़्यादा यात्रु तो आते हैं, तो इंडिया से और ऑल ओवर द वर्ल्ड से, तो उससे भी नेचुरली इनकम और इकॉनमी बढ़ी है. एंड इसीलिए देर इज़ अ लॉट ऑफ चेंज. जो 80 साल आप बोल रहे हैं तब में और अब में, देर इज़ अ बिग चेंज. और रिसेंटली 2008 में सेंट्रल गवर्नमेंट से 300 साल दिवस जो हमने मनाया था, तो 130 करोड़ सैंक्शन हुए थे. तो वो सारा गुरुद्वारे के लिए, पर सारा वो जो 130 करोड़ था वो यहाँ का बिदर डेवलपमेंट के लिए लगाया, तो सारे रोड्स बनाए गए. तो ये गुरु नानक देव जी जो 500 साल पहले यहाँ पे आए थे और यहाँ के लोगों को जो पानी से, स्वीट ड्रिंकिंग वाटर से ब्लेस किया था, तो उनकी ब्लेसिंग चलती जा रही है और बिदर डेवलप होता जा रहा है. तो बच्चे मैम आ तो रहे हैं, व्हाट अबाउट देयर प्लेसमेंट्स? आई मीन कितना ज़्यादा प्लेसमेंट आप लोग करवा पाते हैं? प्लेसमेंट्स काफ़ी अच्छे हैं हमारे बच्चों के और गुड कंपनीज में है, तो उस तरह वो भी एक कॉन्ट्रीब्यूशन है बिदर के, क्योंकि अब तो ज़्यादा बच्चे बिदर और आस पास के ही है, तो एम्प्लॉयबिलिटी काफ़ी बढ़ गई है. एम्प्लॉयमेंट आप लोग इम्प्रूव कर रहे हो, आपका गुरुद्वारे में पिलग्रिम्स आते हैं, सो टूरिज्म का सबसे मेन अट्रैक्शन बिदर का आई थिंक गुरुद्वारा है. बिल्कुल. पढ़ाई में आप लोग है, स्कूल हैं, इंस्टीट्यूशन हैं, तो इकोनॉमी में भी आप बिल्डअप कर रहे हो. सो व्हाट नॉट यू आर डूइंग सो मच ग्रेट, एंड आई एम श्योर कि डेफिनेटली आप आगे भी बहुत अच्छा अच्छा और करते रहेंगे. डेफिनेटली. मैम, आपने 28 साल पहले इस इंस्टीट्यूट को ज्वाइन किया और आज आप वाइस चेयरमैन हैं, और मैंने सुना है वुमेन एम्पावरमेंट को भी काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट करती हैं. सो व्हाट डू यू वांट टू से टू द लेडीज हु आर वाचिंग अस राइट नाउ? हियर वी आर वेरी हैप्पी दैट हमारे जितने स्टूडेंट्स हैं उसमें 50% जो स्टूडेंट्स हैं वो लड़कियाँ हैं. एंड वी ट्राई टू एनकरेज द स्टूडेंट, एंड स्पेशली जैसे मैकेनिकल और सिविल ब्रांच में है, पहले तो सिर्फ लड़के ही ऑप्ट करते थे, पर आजकल इतनी सारी लड़कियाँ एडमिशन लेती हैं सिविल एंड ऑल्सो मैकेनिकल, एंड वी ट्राई टू फोकस ऑन देम मोर एंड सपोर्ट देम. एंड इसके अलावा ऑल्सो वी हैव सम प्रोग्राम्स फॉर द लेडीज़ हु आर फ्रॉम फाइनेंशियली वीक बैकग्राउंड. जैसे वी हैव अ वुमेन वेलफेयर एसोसिएशन, तो उसमें हम इनके लिए प्रोग्राम्स चलाते हैं, जैसे चॉक पीस मेकिंग है, टेलरिंग है, टू फाइनेंशियली सपोर्ट, सेल्फ हेल्प ग्रुप. तो वी ट्राई टू सपोर्ट देम टू बी फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट. थैंक यू सो मच मैम, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, इतना सब कुछ जाना आपके बारे में पर्सनली, इंस्टीट्यूट के बारे में. थैंक यू फॉर हैविंग मी हियर टुडे. थैंक यू सो मच. एक नारी सब पर भारी, ऐसे ही नहीं कहते. आज हमने आपको मिलवाया रेशमा कौर जी से, जो कि 28 सालों से इस इंस्टीट्यूशन को रन कर रही हैं और साथ में आज इस इंस्टीट्यूशन की वाइस चेयरमैन हैं. अगर आप भी देखना चाहते हैं और सक्सेस स्टोरीज, तो बने रहिए हमारे साथ. मैं गीतांजलि फिर से आपके साथ लौटूंगी अगले संडे इसी टाइम इसी वक्त. टिल देन टेक केयर, नमस्ते. Thank you.